परसेंटेज, टुडेज टॉपिक इज परसेंटेज. ओके, परसेंटेज का आपको साइन पता है कैसा होता है, ठीक है, कि परसेंटेज में हम एक पर्टिकुलर जो आपको मटेरियल या आपको कोई नंबर ऑफ मार्क्स आपको यदि दिए जाते हैं तो उसका एक वेटेज हम एक पर्टिकुलर पार्ट निकालते हैं कि वो कितना ऑब्टेन करना है, इट इज कॉल्ड द परसेंटेज. ओके, चैप्टर नंबर 6 परसेंटेज. ओके, परसेंटेज लाइक अ साइन दैट इज. ओके, ये जो साइन बना रहे हैं किसका है, परसेंटेज का, ठीक है. इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जैसे ना अगर यदि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है. आपको यदि परसेंटेज निकालना है, किसी भी यदि वैल्यू का हम परसेंटेज निकालते हैं, निकालना है, तो हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. और अगर यदि परसेंटेज का साइन आपको दिया हुआ है और परसेंटेज का साइन आपको यदि रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि आप परसेंटेज का साइन दिया हुआ है रिमूव करना है तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, मतलब डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है. लाइक दिस, अगर यदि आपको केवल सिंपल कहा जाए 33%, ठीक है, ये 33% क्या है, परसेंटेज का साइन है. अब आपको केवल ये कहा जाए कि यू विल रिमूव द परसेंटेज साइन, तो यू विल राइट हियर 33/100, ठीक है. ये जो हमने क्या किया, मतलब 30% को रिमूव करने का क्या आ गया, डिवाइड बाय 100. एंड परसेंटेज यदि हमें फाइंड आउट करना है तो आपको इसके साथ कोई ना कोई वैल्यू आपको जरूर दी होगी, जैसे आपने मैथ्स में आपके यदि मार्क्स आए मान लीजिए 46 out of 80, ठीक है, 46 out of 80. अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है कि मैंने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए, तो जो टोटल मार्क्स होते हैं कितने में से आपने मार्क्स लिए, 46 तो ये आपके आगे कितने ऑब्टेन किए, कितने में से ऑब्टेन किए, 80 में से, तो ये तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे 46/80. बट हमें परसेंटेज निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो अब मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, इट मींस वी फाइंड द परसेंटेज. तो किस तरीके से निकालेंगे, 10 से 10 कट हो गया, 4 2 4 8, 2 5 10, नेक्स्ट 2 2 4 2 2 4, 2 3 6, ठीक है. अब 23 × 5, नीचे फ्रैक्शन में क्या बचा, 2, तो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 का 5, कैरी ऑफ 1, 5 2 10 और 1 11 बाय 2, ठीक है. अब ये आपके पास फ्रैक्शन में आ गया तो आप इसको डेसिमल में आप निकालेंगे, आपके पास डेसिमल में आएगा तो 115 में यदि आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 1 नेक्स्ट वैल्यू करेंगे 5, 2 7 14, 5 − 4 1 0. अब देखिए कोई और वैल्यू नहीं है, यहाँ डेसिमल, यहाँ पे 0, 2 5 10. तो मतलब अगर यदि आप जो परसेंटेज निकाल रहे हैं वो परसेंटेज किसमें आएगा, 57.5, देन साइन ऑफ परसेंटेज. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वी विल फाइंड द परसेंटेज, दैट केस वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, एंड देन सेकंड केस वी विल रिमूव द परसेंटेज साइन दैट डिवाइड बाय 100. ओके, ये दो चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको ध्यान रखने वाली है, कि जब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100, जब हमें परसेंटेज रिमूव करना होता है तो डिवाइड बाय 100. ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. कि वापस हम देखते हैं, लाइक दिस 3% of 10, ठीक है, या ओनली केवल हम ये देख रहे हैं कि जैसे 4% लिखा हुआ है, तो अब यदि मुझे परसेंटेज का साइन रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 4/100, ठीक है. मतलब परसेंटेज का साइन रिमूव हो रहा है तो 4/100, 96%, इसको कैसे लिखेंगे, 96/100, ठीक है. अब यदि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है. अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ होगा वो कितने में से दिया हुआ है, दो चीज
आपको उसके आंसर में दी होगी। ठीक है, कि अगर यदि कोई मार्क्स की बात कर रहा है तो कितने में से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तभी हम उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो बुक में भी आपको यही बताया हुआ है कि परसेंट और परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। मतलब कि परसेंटेज में यदि परसेंटेज को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यदि उसका साइन दे रखा है तो उसको एक्सप्रेस करने का, एक्सप्रेस मींस मतलब उसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि इसमें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं और डिवाइड बाय फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, 100। ओके, अब हम कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे इस क्वेश्चन जिसमें आपको परसेंटेज निकालना भी होगा और रिमूव भी करना होगा। ठीक है, तो ये आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, बोर्ड की तरफ ध्यान देके सब। ठीक है, इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 box already I have made here 10। okay, तो हमारे पास मतलब 10 columns हो गए। ठीक है, और 10 rows हो गई, तो number of boxes कितने हो गए हमारे पास, 100। कितने हो गए, 100। अब इसके अंदर कुछ आपको shaded box दिए गए। ठीक है,
क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल ग्रिड इज शेडेड. ठीक है, फर्स्ट वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, देन फाइंड आउट द शेडेड बॉक्सेस. ठीक है, तभी हम उस शेडेड बॉक्सेस का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके okay?